सभी ये जानना चाहते हैं कि पवन सिंह के नए होली गाने को देखकर लोगों का क्या रिस्पॉन्स है, खासकर खेसारी लाल यादव, अक्षरा सिंह, भोजपुरिया, जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं उनका क्या रिस्पॉन्स है। तो भाई लीजिए, हम आ गए हैं और आपको बताने कि आपको तो पता ही है कि खेसारी लाल यादव आज सुबह ही इलाहाबाद पहुँचे हैं, और जैसे ही वो इलाहाबाद पहुँचे जिस टाइमिंग पर, उसके थोड़े ही देर बाद पवन सिंह का सॉन्ग रिलीज़ हुआ कमरिया, होली हिंदी सॉन्ग। जी हाँ, यकीन मानिए अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए और देखिए, बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है, बहुत ही अच्छी क्लियरिटी है, बहुत ही अच्छे बोल है, बहुत ही अच्छे डांसिंग मूव हैं, बहुत ही बेहतरीन पवन सिंह की आवाज़ है। खैर, आपको तो हम ये बताने वाले हैं कि खेसारी लाल यादव ने क्या कहा। खेसारी लाल यादव ने जैसे ही ये गाना रिलीज़ हुआ, खेसारी भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने इस गाने का इंतज़ार किया है और देखना चाहते थे कि किस तरह से पवन सिंह एक इस गाने को, जिसकी हाइप इतनी बढ़ाई जा रही है, लोगों के बीच प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो ये गाना किस तरह से अपना हाइप क्रिएट करेगा। तो भाई जैसे ही ये गाना रिलीज़ हुआ, खेसारी ने देखा और खेसारी के मुंह से पहला शब्द निकला, वाओ, बहुत ही बेहतरीन। भाई खेसारी एक कलाकार हैं तो कलाकार की मेहनत जानते हैं, और हमारे सोर्सेस की माने तो खेसारी लाल यादव को ये गाना बहुत पसंद आया। जिस तरह से भोजपुरिया कलाकार अपनी मेहनत दिखा रहा है, उसे देखकर खेसारी लाल यादव काफ़ी इम्प्रेस है, यानी कि पवन सिंह से काफ़ी इम्प्रेस है। उन्होंने इस गाने को बहुत पसंद किया, खासकर इस गाने में जो डांसिंग मूव है और गाने के बोल। पवन सिंह के इस कार्य को देखने के बाद खेसारी लाल यादव का यही कहना है कि पवन सिंह का ये गाना भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए वरदान साबित होगा। तो भाई अब आगे देखना है कि उनका ये गाना कितना वरदान साबित होता है। लेकिन बिग बॉस के घर में जाकर खेसारी ने भी भोजपुरी का जो सम्मान बढ़ाया है, किसी भी प्राउड मोमेंट से कम नहीं है। साथ ही साथ जिस तरह से द कपिल शर्मा शो में भोजपुरिया तड़का लगा था, वो भी काफ़ी प्रेस्टिजियस मौका था भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। और तो और, जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग आगे बढ़ रहे हैं, उन्हें देख कर यही लग रहा है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, भोजपुरी पे जितने भी दाग लगे हैं, वल्गैरिटी से लेके चीप क्वालिटी तक का, सी ग्रेड फिल्मों का, सब दाग धुल जाएंगे और एक दिन भोजपुरी इंडस्ट्री भी साउथ की इंडस्ट्री की तरह ना नाम कमाएगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना।